हो आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ क्रैब साइकिल आप बहुत आसान तरीके से कैसे याद रख सकते हैं। अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये क्रैब साइकिल कुछ इस तरह की होती है और जो कि देखने में काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगती है, तो चलिए इसको आपके लिए आसान बनाते हैं। आसान करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको लिखना होगा एक सेंटेंस। सेंटेंस है ये, कैन आई कीप सम स्वीट्स फॉर माई ऑफिस। आपने ये लिख लिया, कैन आई कीप सम स्वीट्स फॉर माई ऑफिस। इसका पहला जो अल्फाबेट है हर एक वर्ड का, उसको अलग से हमें लिख लेना है। बेसिकली हमें ये याद रखने हैं इनके फर्स्ट अल्फाबेट, कैन का सी, आई का आई, कीप का के, सम का एस, स्वीट्स का एस, फॉर का एफ, एम आई का एम एंड ऑफिस का ओ। हमने ये सब लिख लिए हम, और हम जानते हैं सी फॉर क्या होता है, सिट्रेट, आई फॉर आइसोसिट्रेट, के फॉर अल्फा कीटोग्लूटरेट, एस फॉर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, अनदर एस इसके इसका मतलब होता है सक्सिनेट, एफ फॉर फ्यूमेरेट, एम फॉर मैलेट एंड ओ फॉर ऑक्सैलो एसिटेट। इस तरह हमने ये लगभग 8 कंपाउंड्स हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं क्रैब साइकिल में, इस सेंटेंस के जरिए, इस सेंटेंस के द्वारा हमने इनको याद कर लिया। कैन आई कीप सम स्वीट्स फॉर माई ऑफिस। चलिए एक तो आसानी यहाँ पर हो गई, लगभग 8 कंपोनेंट्स थे, हमने यहाँ पर इनके अल्फाबेट को लिखकर याद कर लिया। अब बात आती है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि इनके एंजाइम्स को कैसे याद करें। देखिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स यहाँ लग रहा होगा, मैं इसको इतना आसान बनाऊंगा कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। चलिए देखिए, जो फर्स्ट स्टेप होता है क्रैब साइकिल में वो होता है क्या, सिंथेसिस ऑफ सिट्रेट, जो सिट्रेट होता है उसका प्रोडक्शन। तो जिस फर्स्ट स्टेप में सिट्रेट बनता है, यहाँ पर एंजाइम जितने भी हैं उनके नाम इस तरह से दिए हुए हैं, जो कंपोनेंट्स यहाँ पर कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके ऊपर ही इन सब के नाम हैं। जैसे कि सिट्रेट बन रहा है तो उस प्रोसेस में एंजाइम यूज हो रहा है सिट्रेट सिंथेटेज, सिंथेसिस का मतलब बनना, तो जिस प्रोसेस में सिट्रेट बनेगा उसमें एंजाइम यूज होगा सिट्रेट सिंथेटेज। उसके बाद सिट्रेट से क्या बनेगा, आइसोसिट्रेट बनेगा और एंजाइम कौन सा यूज होगा, एकोनिटेज। फिर आइसोसिट्रेट से क्या बनेगा, अल्फा कीटोग्लूटरेट और इस प्रोसेस में, इस वाला जो स्टेप है इसमें एंजाइम यूज होगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, जो इसके नाम के ऊपर है। फिर अल्फा कीटोग्लूटरेट से बनेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए और इस प्रोसेस में जो एंजाइम लगेगा वो लगेगा इस नाम के ऊपर, अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम से बनेगा सक्सिनेट और एंजाइम यूज होगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। फिर सक्सिनेट से बनेगा फ्यूमरेट और एंजाइम जो पहले वाला वर्ड है सक्सिनेट, इसके नाम के ऊपर है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। फिर फ्यूमरेट से बनेगा मैलेट और एंजाइम यूज होगा फ्यूमरेज, इसके नाम के ऊपर। फिर मैलेट से बनेगा ऑक्सैलो एसिटेट और एंजाइम यूज होगा इसके नाम के ऊपर, जो है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। देखिए कितना आसान हो गया, इन सभी के नाम के बेसिस पर ही इन एंजाइम्स के नाम दिए हुए हैं। चलिए अब आपने इन नाम्स को या इन सबको याद करके आप सिंपल साइकिल ड्रॉ कर सकते हैं। हर एक स्टेप के बीच में कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है आप वो इजीली लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ स्टेप्स में क्या बनती है, एनर्जी बनती है NADH, वो आप कैसे याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर जितने भी स्टेप लिखे हैं, अगर कहीं पर डीहाइड्रोजिनेज लिखा है, डीहाइड्रोजिनेज, तो मतलब वहाँ क्या बनेगा, NADH बनेगा। तो यहाँ पर जो ये तीसरा एंजाइम है इसके सामने NAD से बनेगा क्या, NADH, एक NADH यहाँ बनेगा। दूसरा डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, NADH बनेगा। उसके बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, इस वाले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर QH2 एक दूसरा कंपाउंड है वो बनेगा, NADH2 नहीं बनेगा, तो इसको याद रखना। फिर जो लास्ट है मैलेट डिहाइड्रोजिनेस, यहाँ पर भी क्या होगा, एक NADH प्रोड्यूस होगा।
तो आपने कितना सिंपल तरीके से याद कर लिया, सारे कंपोनेंट्स कंपाउंड्स के नाम याद हो गए, एंजाइम्स के नाम बता दिए मैंने, और कहाँ कहाँ एनएडीएच बनेगा वो भी बता दिया। तो चलिए इसको ड्रॉ करके एक बार देख लो कि पहला स्टेप सिट्रेट है, दूसरा आइसोसिट्रेट, फिर अल्फा कीटोग्लिटरेट, उनके एंजाइम्स के नेम लिख लो, कहाँ कहाँ एनएडीएच बनेगा डिहाइड्रोजिनेज के सामने वो लिख लीजिए, हो गया बहुत सिंपल।